2016 में मैंने 90 दिन यूरोप के 5 अलग अलग देशों में सीरियन रेफ्यूजीज के साथ बिताए और उन लोगों से मिलकर मैंने एक चीज जानी, वो थी उम्मीद, वो था विश्वास, एक नई जिंदगी, एक नए सफर, एक नए अनुभव को दोबारा बनाने का और संवारने का। और ये मेरी नज़्म दीवारों से टपकती है, गजल एक मेरी कविता की किताब, इतना तो मैं समझ गया हूँ उसे, उन्हीं लोगों के जज्बे को सलाम करती है। दीवारों से टपकती है गजल एक, हर शेर पे वो शायर जुमले कसता है। दीवारों से टपकती है गजल एक, हर शेर पे वो शायर जुमले कसता है। चौक से लगकर पिछली गली में मलबे के नीचे पड़ा स्टेथोस्कोप धड़कता है। जो टिकाओ कान पर कुछ देर उसे तो अब भी सुनाई देंगी किसी की चढ़ती उतरती सांसें। शोर है तो बहुत पर इतना नहीं है कि सुनाई न दे चौथे माले के यूसुफ मियां की बांसुरी। घर खाक हो तो हो, रियाज का वक्त है और वो जरा सख्त मिजाजी। धूल जो चखलो जरा तो फिरनी का गुड़ होंठों पर अब भी चिपकेगा। यूं ही अशहर जान को जन्नत का हलवाई थोड़ी ना कहते हैं। हटाओ बिजली की नंगी तारें और ये टीन का शटर उठाओ, भर लो जल्दी से मामूल झोले में, इससे पहले कि बेचे कमबख्त फिर से दुगने दामों में महंगा इन्हें। कल अलेपो में गिरी एक और मिसाइल, शहर का आखिरी कवि, शहर का आखिरी डॉक्टर, शहर का आखिरी बांसुरी वादक, शहर का आखिरी हलवाई भी चल बसा। धमाकों से मिटाया जा सकता है लोगों को, उनकी अदायगी, एहसास, आवाजें, यादें कभी कोई मिटा सका है भला। यूं नजर न झुकाए बैठो, उठो काम बहुत है, हुनरमंद गया है बस अभी, हुनर अब भी हवा में महकता है, हुनर अब भी हवा में महकता है।